मैं हूं बुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। टोरंटो में मेयर के उम्मीदवारों के दरमियान 48 घंटों में चौथी बहस का इनेकाद। उम्मीदवारों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी, सस्ती रिहाइश और इक्तिसादी तरक्की जैसे मसाइल पर गुफ्तगु। कनाडा के गैर मुल्की मदाखलत के निगरान पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश होने के लिए तैयार। हिजब इख्तलाफ की जमातों का रिपोर्ट के तनाजर में अवामी इंक्वायरी का मुतालबा। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो जॉनस्टन की सिफारिश पर अमल पैरा है। कनाडा में इजरायली वजीर के मुतवक्के दौरा मुतनाजा बन गया। दौरे को माहरीन ने सिफारती उसूलों के खिलाफ करार दे दिया। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि इजरायली वजीर का दौरा जाती है, सरकारी नहीं। रूस यूक्रेन जंग काफी तवील और खूनी हो सकती है। अमेरिका का कहना है कि रूस और यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं। रूस का कहना है कि अमेरिका अफगानिस्तान में मुसल्लह गिरोहों को खत्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी पार्लियामेंट पर हमले के इल्जाम में ट्रंप के हामियों को कैद की सजाएं। कैपिटल हिल हमले के सरगना को बगावत की साजिश में 18 साल कैद की सजा। ट्रंप के हामियों ने 2021 में कैपिटल हिल पर हमला कर दिया था। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. टोरंटो के मेयर के इंतखाब में 6 सरकर्दा उम्मीदवारों ने 48 घंटों में अपनी चौथी बहस का इनेकाद किया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो के मेयर के इंतखाब में 6 सरकर्दा उम्मीदवारों ने 48 घंटों में अपनी चौथी बहस का इनेकाद किया, जिसमें कनाडा के सबसे बड़े शहर की क़यादत करने के लिए माली तौर पर जिम्मेदार इंतखाब होने का दावा किया गया। जबकि वबाई अमराज से मुतालिक बजट की कमी को दूर करने और मकानात को मजीद सस्ता बनाने का वादा किया गया। इस दौरान उन्होंने रिहाइश पजीरी और इकतसादी तरक्की के इम्कान जैसे मसाइल पर बात की। इस बहस में साबिक वफाकी कानून साज ओलिविया चू, सिटी काउंसिलर जोश मेटेलो, साबिक पुलिस चीफ मार्क सैंडर्स, साबिक डिप्टी मेयर एना बेलाओ, काउंसिलर ब्रेड ब्रेडफोर्ड और स्कारब्रो गोल्ड वुड के साबिक लिबरल एमपीपी मिडजी हिंटर शामिल थे, जिन्होंने क्वींस पार्क में अपनी निश्चित से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह की बयानबाजी और पिछली बहसों से बार बार कहानियां सुनने के बाद उम्मीदवारों की ज़बरदस्त बयानबाजी और एक दूसरे पर खलबली मचाने के साथ बहस में तनाव ज़्यादा देखा गया। 2015 से 2020 तक टोरंटो के पुलिस चीफ सैंडर्स ने बार बार मौजूदा काउंसलर्स मैटलो और ब्रेडफोर्ड के साथ साथ साबिक डिप्टी मेयर बेलाओ पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि दफ्तर में रहते हुए सस्ते मकानात की तामीर के हवाले से उनकी कार्रवाई की कमी थी। कई पोल्स के मुताबिक सरकर्दा उम्मीदवार चाओ ने शहर की मनसूबाबंदी और हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर ब्रेडफोर्ड के रिकॉर्ड की पैरवी करते हुए दावा किया कि उनके दौर में नई रिहाइश और दरमियानी बुलंदी वाली इमारतों के हुसूल के लिए मनसूबाबंदी और मंजूरी के अमल में काफ़ी सुस्त रवि आई है। उम्मीदवारों ने शहर के बेघर होने के बहरान से निमटने के लिए भी ख्यालात का तबादला किया, जिस पर मई के अवाल में इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। कबल अजी स्कारब्रो के मशरकी हिस्से में मुनक़िद होने वाली एक और बहस में उम्मीदवारों ने शहर की गिरती हुई खिदमत, ट्रांजिट जैसे बुनियादी ढांचे के चैलेंजेस और कम्युनिटी सेंटर्स और प्रोग्रामिंग को बहाल करने की ज़रूरत पर तवज्जो दी। 26 जून को होने वाले ज़िमनी इंतखाब से कबल इंतखाबी मुहिम में सिर्फ एक महीना बाकी है।
कनाडा की एक पार्लिमानी कमेटी के सरबराह ने कहा कि कनाडा के गैर मुल्की मदाखलत के निगरान डेविड जॉनस्टन को पहले ही गवाही देने के लिए मुकर्रर किया गया था, इससे पहले कि ओपोजिशन के अराकीन पार्लियामेंट उनकी पेशी का मुतालबा करें। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की एक पार्लिमानी कमेटी के सरबराह ने कहा कि कनाडा के गैर मुल्की मदाखलत के निगरान डेविड जॉनस्टन को पहले ही गवाही देने के लिए मुकर्रर किया गया था, इससे पहले कि ओपोजिशन के अराकीन पार्लियामेंट इस हफ्ते एक खत में उनकी पेशी का मुतालबा करें। लिबरल एमपी बारदेश जगर ने एक समात के दौरान कहा कि हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रोसीजर कमेटी ने 2 माह कबल जॉनस्टन को पेश होने की दावत दी थी और वो पहले ही 2 हफ्तों से भी कम वक्त में पेश होने वाले हैं। मंगल को मुबैना गैर मुल्की मदाखलत के बारे में पहली रिपोर्ट शाया होने के बाद कमेटी के ओपोजिशन अरकान ने इस हफ्ते एक खत लिखा जिसमें जॉनस्टन की गवाही का मुतालबा किया गया। कंजर्वेटिव एनडीपी और ब्लॉक क्यूबिकस एमपीज़ ने कहा कि वो चाहते हैं कि साबिक गवर्नर जनरल वजाहत करें कि उन्होंने गैर मुल्की मदाखलत पर अवामी इंक्वायरी की सिफारिश करने के खिलाफ फैसला क्यों किया। हिजब इख्तलाफ की जमातों ने इस रिपोर्ट के तनाजर में अवामी इंक्वायरी का मुतालबा जारी रखा हुआ है, लेकिन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वो जॉनस्टन की सिफारिश पर अमल पैरा है। दूसरी जानब कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने काबीना का एतमाद खत्म करने पर रजामंदी जाहिर की है ताकि 2 विफाकी एजेंसियाँ उन खुफिया दस्तावेजात को पढ़ सकें जिनका गैर मुल्की मदाखलत से मुतालिक हुकूमत के खसूसी नुमाइंदे डेविड जॉनस्टन ने गैर मुल्की मदाखलत के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करते वक्त उनका जायजा लिया था। अब तक पार्लियामेंटेरियंस की कौमी सलामती और इंटेलिजेंस कमेटी NCICOP और कौमी सलामती और इंटेलिजेंस जायजा एजेंसी NSIRA को काबीना के दस्तावेजात का जायजा लेने की इजाज़त नहीं दी गई है। दोनों एजेंसीज को इस बात का जायजा लेने का काम सौंपा गया है कि लिबरल हुकूमत और कौमी सलामती के इदारों को कैनेडा के पिछले 2 इंतखाबात में गैर मुल्की मदाखलत के इल्जाम के बारे में क्या मालूम था और उन्हें ये कब मालूम था। ये एकदम जॉनस्टन की सिफारिश के जवाब में किया गया है कि हुकूमत हर उस खुफिया दस्तावेज को जारी करे जिसे उसने देखा था ताकि वो उसके नतायज का जायजा ले सकें। जॉनस्टन ने ट्रूडो हुकूमत को मशवरा दिया कि वो चीनी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की मदाखलत की अवामी तहकीकात का हुक्म ना दे। कैनेडा में आइंदा हफ्ते होने वाले इसराइली वजीर के दौरे को माहरीन ने सिफारती उसूलों के खिलाफ करार दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में आइंदा हफ्ते होने वाले इसराइली सफीर के दौरे को माहरीन ने सिफारती उसूलों के खिलाफ करार दिया है। एक इसराइली काबीना के वजीर का अगले हफ्ते कनाडा का दौरा करने का मंसूबा कनाडा और इसराइल की इंतहाई दाएं बाजू की हुकूमत के पहले से ही हंगामा खेज ताल्लुकात के दरमियान आया है और ये एक ऐसा दौरा है जिसके बारे में प्रोटोकॉल माहरीन का कहना है कि ये सिफारती उसूलों से बाहर है। इसराइल के डायस्पोरा उमूर के वजीर इमिचाय चिकली अगले हफ्ते टोरंटो के करीब एक प्राइवेट क्रिश्चियन कॉलेज में तकरीर करेंगे जिसे एक मुतनाज़ा एवेंजिकल ईसाई रहनुमा चला रहे हैं। वो पार्लियामेंट हिल पर रियासत इसराइल की 75वीं सालगिरह की तकरीब में भी शिरकत करेंगे जिसकी मेज़बानी अराकीन पार्लियामेंट के एक गैर सरकारी ग्रुप ने की थी। आलमी उमूर की कनाडा की तर्जुमान मार्लिन गोरमोंट ने कहा है कि ये दौरा एक निजी दौरा है, सरकारी नहीं, जिसके लिए रिवाज के मुताबिक महदूद प्रोटोकॉल शाइस्तगी लागू होगी। प्रोटोकॉल माहरीन ने खबरदार किया है कि सरकारी सिफारती चैनल्स के जरिए सफर का एहतमाम ना करना कैनेडियन और इजरायली हुकूमतों के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन सकता है। चिकली का दौरा कोई बड़ा सिफारती वाकया नहीं है, लेकिन ये यकीनी तौर पर ओटावा के लिए चीज़ों को अजीब बना देता है। कैनेडियन हुकूमत को इस दौरे के बारे में सबसे पहले उस वक्त मालूम हुआ जब कंजर्वेटिव MP लेसन लियोस ने तमाम MPs को एक ईमेल के जरिए हिल पर एक तकरीब में मदु किया। लियोस कैनेडियन पार्लिमानी इजरायली इत्तेहादी कॉकस चलाते हैं जो ज्यादातर ईसाई अराकीन पार्लियामेंट का एक गैर सरकारी ग्रुप है जो इजरायल के दारुल हुकूमत को यरूशलम के तौर पर तस्लीम करने की वकालत करता है। कैनेडा और कई दूसरे ममालिक इस ख्याल को मुस्तरद करते हुए ये दलील देते हैं कि ये फलस्तीनियों के साथ 2 रियासती हल के इम्कान को कम करता है। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि इसराइल उसके करीबी दोस्तों में से एक है, लेकिन ओटावा इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के जजिस के इख्तियारात को महदूद करने और मकबूजा फलस्तीनी सरजमीन पर मजीद बस्तियों की इजाज़त देने के इकदाम पर तेजी से तनकीद करता रहा है। अमरीका के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा है कि रूस और यूक्रेन में से कोई एक भी जंग जीतने की पोजिशन में नहीं और ना मुजाकरात पर आमादा नजर आते हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
अमेरिका के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने कहा है कि रूस और यूक्रेन में से कोई एक भी जंग जीतने की पोजीशन में नहीं और ना मुज़ाकरात पर आमादा नजर आते हैं। रूस फौजी मुहिम जोई के जरिए यूक्रेन में अपने मकासद हासिल नहीं कर सकता। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि अमेरिका अफगानिस्तान में गैर कानूनी मुसल्लह गिरोहों को खत्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तकबिल में इन गिरोहों की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ पड़ोसी ममालिक तक भी फैल सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी जनरल मार्क मिली ने दर्जनों ममालिक के गुरु रॉमस्टन से वर्चुअल मीटिंग के अख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रूस ये जंग जीतने वाला नहीं, यूक्रेन भी जल्द फतायाब नहीं हो सकेगा। ये जंग काफ़ी खूनी और तवील हो सकती है क्योंकि फरीकैन मुज़ाकरात पर आमादा नजर नहीं आते। यूक्रेन में जंग तवील हो सकती है लेकिन रूस इसमें फातह नहीं होगा। अमरीकी जनरल ने यह भी कहा कि रूस के असल स्ट्रेटेजिक मकासद में से एक यूक्रेन में हुकूमत का तख्ता उलटना है जिसे वो फौजी मुहिमात के जरिए हासिल नहीं कर सकता। लाखों फौज की मौजूदगी के बावजूद रूस कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगा। दूसरी जानिब रूस के साबिक सदर और मौजूदा सदर प्यूतन के अहम इत्तेहादी देमतरी मेदिदोव ने भी इम्कान जाहिर किया कि यूक्रेन जंग कई दहाइयों तक जारी रहेगी। याद रहे कि इससे कबल उन्होंने ये भी कहा था कि यूक्रेन में रूस की शिकस्त एटमी जंग को जन्म दे सकती है। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि अमरीका अफगानिस्तान में गैर कानूनी मुसल्लह गिरोहों को खत्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मुस्तकबिल में इन गिरोहों की दहशतगर्द कार्रवाइयां पड़ोसी ममालिक तक भी फैल सकती हैं। बेलारूस में एक तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए रूसी वजीर दिफा सरगई शोइगो का कहना था कि अफगानिस्तान अब भी अदम इस्तेहकाम का मरकज है। उन्होंने कहा कि इमारत इस्लामिया के आने के बाद गैर कानूनी मुसल्लह गिरोह मजबूत हो गए हैं। उन गिरोहों का असर और उनकी दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ पड़ोसी ममालिक तक फैल जाने का इम्कान है। रूसी वजीर दिफा ने मजीद कहा कि नेटो की तवज्जो अफगानिस्तान की तामीर नौ के बजाय वस्ती एशिया में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने पर मरकूज है। डोनाल्ड ट्रंप के 5 हामियों को अमरीकी पार्लियामेंट और कैपिटल हिल पर हमले के जुर्म में 18 से 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ट्रंप हामियों के हमले के सरगना स्टीवरेट रहुट्स को बगावत की साजिश में 18 साल कैद की सजा सुना दी गई। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप के 5 हामियों को अमरीकी पार्लियामेंट और कैपिटल हिल पर हमले के जुर्म में 18 से 4 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ट्रंप हामियों के हमले के सरगना स्टीवर्ट रिहोर्ट्स को बगावत की साजिश में 18 साल कैद की सजा सुना दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमले की क्यादत करने वाले और मनसूबा साज स्टीवर्ट रोड्स को बगावत की साजिश और दीगर जराइम पर 18 साल कैद की सजा सुनाई गई। इस तकाजा ने 25 साल कैद की सजा का मुतालबा किया था। स्टीवर्ट रिहुट्स अमेरिका की दाएं बाजू की तंजीम ओथ कैपर्स मलेशिया का बानी है। इस स्टीवर्ट रिहुट्स पर आयद बगावत की साजिश की दफा अमेरिका में बहुत कम इस्तेमाल हुई है। ख्याल रहे कि 18 साल की तवील तरीन कैद की सजा पाने वाले स्टीवर्ट रिहुट्स अमेरिकी फौज के साबिक पैराट्रॉपर और वकालत की डिग्री रखते हैं। उन्होंने 2009 में ओथ कैपर्स नामी मलेशिया की बुनियाद रखी थी। डोनाल्ड ट्रंप के शदीद हामी होने के बायस स्टीवर्ट रॉड्स और उनकी जमात पर तशद्दुद मुजाहरों में पेश रही। रॉड्स ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी को फांसी देने की धमकी भी दी थी। समात के दौरान स्टीवर्ट रॉड्स ने अपने जुर्म पर शर्मिंदगी या नदामत का इजहार करने के बजाय ढिटाई से कहा कि वो सियासी कैदी हैं और उन्हें मुल्क तबाह करने वालों की मुखालफत की सजा दी जा रही है। जिस पर जज ने स्टीवर्ट रोड्स को तशद्दुद पर मबनी नजरिए पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मैंने आज तक किसी मुजरिम के बारे में ये नहीं कहा लेकिन ऐसे रवैये पर अब ये कहने पर मजबूर हूँ कि आप मुल्क आवाम और जमहूरियत के लिए खतरा हैं। याद रहे कि 5 जनवरी 2021 को साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इलेक्शन के नतज तस्लीम न करते हुए अपने हामियों के सामने इश्तियाल अंगेज तकरीर की थी जिसके बाद उनके हामी कांग्रेस और कैपिटल हिल में दाखिल हो गए और हंगामा आरा की जिसमें 4 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए थे। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले के इल्जाम में 1000 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।